इस मीटिंग में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी स्टूडेंट्स जो कि ट्वेल्थ के एग्ज़ाम दे चुके हैं और विशेष रूप से एग्रीकल्चर या बायोलॉजी से एग्ज़ाम दे चुके हैं, उन सभी को मेरी तरफ से अच्छे अंकों से पास होने की शुभकामना भी देता हूं। आप जानते हैं कि ट्वेल्थ करने के बाद हर स्टूडेंट्स कोई ना कोई ब्रांच चुनता है, BA करते हैं, BSc करते हैं, BCom करते हैं, और ट्वेल्थ में जो एग्रीकल्चर पढ़ के आते हैं या बायोलॉजी पढ़ के आते हैं और विशेष रूप से जो एग्रीकल्चर पढ़ के आते हैं तो वो कई स्टूडेंट्स BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर करते हैं। और आपको ये भी मालूम है कि BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर का जो कोर्स है राजस्थान में JET के माध्यम से भी अलाउड होता है, जो JET की परीक्षा नहीं देता है वो BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर का कोर्स नहीं कर सकता है। तो BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर में किस प्रकार के स्कोप है इसके बारे में हम बात करेंगे। आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर का स्कोप बढ़ रहा है और बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा, क्योंकि इतनी फसलें पैदा होती है, खाद्यान्न फसलें होती है, दलहन की फसलें होती है, तिलहन की फसलें होती है, कैश क्रॉप्स होती है, फिर कृषि के जो उत्पाद होते हैं, उपज होते हैं, उसके उनको प्रोसेसिंग करके कई प्रकार के आइटम बनाते हैं जिसको हम कई प्रकार से काम में रहते हैं, चाहे वो खाद्यान्न के रूप में काम में रहते हैं, तिलहन के रूप में काम में रहते हैं, या कई प्रकार के बिस्किट्स है, वैल्यू एडेड आइटम्स है जिनको हम काम में लेते हैं, चाहे चीनी हो, गुड़ भी तरह तरह का आता है, और कई प्रकार के आइटम आप बाजार में पैक्ड आइटम देखते हैं और ये आइटम बढ़ते जाएंगे। तो BSc ऑनर्स करने के बाद स्कोप बढ़ता जाता है। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि BSc ऑनर्स का कोर्स पूरे भारत में बहुत सीमित संख्या में जो यूनिवर्सिटीज है वो चलाती है, इनकी संख्या ज़्यादा नहीं है, और जो यूनिवर्सिटीज चलाती है उनके जो कॉलेजेस हैं या खुद की यूनिवर्सिटियाँ चलाती है उनमें भी संख्या सीमित होती है। तो सबसे पहले तो BSc करने वाला स्टूडेंट्स, ऑनर्स एग्रीकल्चर करने वाला स्टूडेंट्स आगे MSc कर सकता है। और आप जानते हैं कि MSc भी कई सब्जेक्ट्स में होती है, एग्रोनॉमी में होती है, प्लांट ब्रीडिंग में होती है, सॉइल केमिस्ट्री में होती है, एंटोमोलॉजी में होती है, प्लांट पैथोलॉजी में होती है, एक्सटेंशन में होती है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में होती है, इस प्रकार से कई सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कोई चाहे तो PhD भी कर सकता है, और PG करने के साथ साथ जो है नेट की परीक्षा भी दे सकता है। और आप जानते हैं कि नेट की परीक्षा देने के बाद किसी भी कॉलेज में वो पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाता है। हम राजस्थान के रेफरेंस में हम बात करते हैं तो राजस्थान में वैसे ट्वेल्थ के बाद भी एग्रीकल्चर जिसके पास सब्जेक्ट रहा हुआ है वह कृषि पर्यवेक्षक या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की परीक्षा दे सकता है, इसकी वैकेंसी निकलती रहती है। जैसे BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर होती है तब AA सहायक कृषि अधिकारी उसका भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जितनी भी सरकार की नौकरियां हैं कृषि विभाग में, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो गया, AA हो गया, एग्रीकल्चर ऑफिसर हो गया, जो PG कर लेगा AO बनने के लिए मतलब वो परीक्षा दे सकता है। इसी तरह से रिसर्च साइड में AARO हो गया, ARO हो गया, जितने भी सीड कॉरपोरेशन है भारत में जो कि सीड बनाने का काम करती है वहाँ पर सीड ऑफिसर्स की जरूरत पड़ती है, तो वो सीड ऑफिसर्स आपके BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर करके ही आगे जा सकते हैं। तो एक तो सरकारी नौकरियां जितनी भी है राजस्थान सरकार की भी और भारत सरकार में भी बहुत सी सरकारी नौकरियां निकलती है, इसी तरह से बैंक में भी बैंक अधिकारी की नौकरी निकलती है जो कि एग्रीकल्चर वाला ही दे सकता है, कुछ ऐसी पोस्टें होती है। मैं भी बता देता हूँ कि आपको, मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर था पहले, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर रहते हुए फिर मैंने दूसरी सिलेक्शन हो गया था मेरा सर्विस में, इसलिए मैं उसको छोड़ गया। तो सरकारी नौकरियों की तो एक बात की हमने, उसके साथ साथ कई प्रकार की कंपनियां हैं, राजस्थान सरकार की भी है, भारत सरकार की भी है, सर्टिफिकेशन एजेंसी करने वाली भी एजेंसियां हैं जो सरकारी होती है, वहां पर भी अधिकारियों की जरूरत पड़ती है, स्टाफ की जरूरत पड़ती है, वहां पर भी आप अप्लाई करके सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा फील्ड है दूसरा जो कि है टीचिंग का, रिसर्च का, तो जिसमें जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पे आप पढ़ाने का काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप देखते हो कि स्टेट ICR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, वहाँ पे साइंटिस्ट की जरूरत पड़ती है, JRF की जरूरत पड़ती है, SRF की जरूरत पड़ती है, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं।
पूरे भारत में आईसीएआर के 100 से ज़्यादा रिसर्च इंस्टीट्यूशन से जो फैले हुए हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर से निकले हुए जो पर्सनल है उनकी ही जरूरत पड़ती है और वही नौकरी लगते हैं, तो वहाँ पर काफ़ी स्कोप है। इसी तरह से आपने नेशनल सीड कॉरपोरेशन का नाम सुना होगा, उसमें भी ऑफिसर्स की जरूरत पड़ती है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, वहाँ पर भी ऑफिसर्स की जरूरत पड़ती है, वो भी एग्रीकल्चर वाले ऑफिसर्स जाते हैं। तो एक तो सरकारी विभाग हो गए जहाँ पर राजस्थान सरकार और भारत सरकार के विभाग है वहाँ पर काम करते हैं, दूसरी ओर बैंक में जरूरत पड़ती है वहाँ पर भी एग्रीकल्चर वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो आगे जा सकते हैं। तीसरा मैंने बताया कि आपको टीचिंग में असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, वो सभी जो है आपके एग्रीकल्चर वाले लाइन वाले आगे बढ़ते हैं और बनते हैं। जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं राजस्थान में उन सभी में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की भी ज़रूरत पड़ती है, एसोसिएट जरूरत प्रोफेसर की भी ज़रूरत पड़ती है और प्रोफेसर की भी ज़रूरत पड़ती है, तो वो सब एग्रीकल्चर वाले लाइन भी वाले ही आगे बढ़ते हैं और बनते हैं। तो इस प्रकार से टीचिंग और रिसर्च, आप देखिए कि ऐसी कई सीड बनाने वाली कंपनियां हैं, न केवल भारत की बल्कि मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी पैसा खर्च करती है, नए नए बीज बनाती है, तो उसमें साइंटिस्ट की जरूरत पड़ती है या रिसर्च डेवलपर्स की जरूरत पड़ती है, तो उसमें वही जा सकता है जिसने कि एग्रीकल्चर में डिग्री हासिल कर रखी हो या एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रखी हो और उसमें अच्छा पैसा मिलता है। इसके साथ साथ आप देखो प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं हम, तो जितने भी सीड बनाने वाली कंपनियां हैं, खाद बनाने वाली कंपनियां हैं, पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनियां हैं, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स बनाने वाली कंपनियां हैं, उन सब में भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड व्यक्ति की जरूरत पड़ती है और वो सब बीएससी एग्रीकल्चर जिन्होंने कर रखा है उन्हीं व्यक्तियों को लिया जाता है। उसके साथ साथ आप देखिए कि जितने भी फास्ट मूविंग कंज्यूमर आइटम्स हैं खाने पीने से संबंधित, जो खाने पीने की चीज़ें संबंधित जो भी कंपनियाँ हैं उनको कच्चा माल खरीदने के लिए एग्रीकल्चर ऑफिसर्स की जरूरत पड़ती है, जिसको कि प्रोक्योरमेंट ऑफिसर बोलते हैं, क्रेता अधिकारी। उसका काम क्या है? उसका काम एक सही प्रकार का एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस वो बाजार से खरीदे। तो आप देखो बाजार में कितना आटा बिकता है, बेसन बिकता है, तरह तरह की और कई चीज़ें, धनने बिकती है, तिलहन तेल बिकता है, तो उनको तिलहन जो तेल बनाता है तो ऑयल सीड की जरूरत पड़ती है, आटा बना रहे हैं तो आपको गेहूँ की जरूरत पड़ती है, तो गेहूँ खरीदने के लिए जो जिसने एग्रीकल्चर पढ़ रखा है ऐसे व्यक्तियों को एक प्रोक्योरमेंट ऑफिसर के रूप में भर्ती करते हैं। तो कहने का आशय है कि जितने भी खाद्य पदार्थ से रिलेटेड जितने भी कंपनियां हैं, ये कंपनी होगी बढ़ती जाएगी, कभी कंपनी होने वाली है और तरह तरह का आइटम भी बढ़ते जाएंगे और ऐसे व्यक्तियों की जरूरत और बढ़ती जाएगी जो कि उसमें अच्छी तरह से जानते हैं कच्चे माल के बारे में जो कि खेती में पैदा होता है। तो ऐसे व्यक्तियों की जो है आवश्यकता इन सबको पड़ती है। इसके अलावा आप देखते हैं कि आप खाद की दुकान खोलना चाहते हैं, बीज की दुकान खोलना चाहते हैं, सीड की दुकान खोलना चाहते हैं, बायो फर्टिलाइजर की दुकान खोलना चाहते हैं, तो इस सब में भी आप जो है ये दुकानें खोल सकते हैं। जब आपने बीएससी पढ़ रखी हो तो अपने आप लाइसेंस मिलता है, आपको प्राथमिकता से मिलता है। तो ये तो काम मैंने बताया, इसके साथ साथ आप अपना खुद का काम भी कर सकते हो, तरह तरह के स्टार्टअप भी बने हुए हैं, आप काम कर रहे हैं आजकल बड़े बड़े जो शहर हैं भारत में, चाहे वो दिल्ली एनसीआर का रीजन हो, चाहे बेंगलोर हो, हैदराबाद हो, मुंबई हो, जयपुर हो, उसके आसपास कई लोगों ने खाद्य पदार्थों से रिलेटेड ऐसे कई स्टार्टअप बना रखे हैं, काम धंधे चालू कर रखे हैं जिसमें कि उपभोक्ताओं को सुविधाजनक रूप से कई चीज़ें घर बैठे डिलीवर कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए। याद रखिए आजकल टेक्नोलॉजी का उपयोग करना आवश्यक है, बिना टेक्नोलॉजी के खुद का व्यवसाय करना संभव नहीं है, जो टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज करेगा उतना ही वो आगे बढ़ेगा। इसीलिए आप देखते हैं कि जितने भी स्टार्टअप हैं या खुद के बड़े वैल्यू एडेड आइटम बनाने वाले व्यक्ति हैं वे सभी जो है टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए कई प्रकार के आइटम जो है होम डिलीवरी कर रहे हैं। राजस्थान में बाजरा खूब पैदा होता है और जो कोर सीरियल्स होते हैं जिसको अपन मोटे अनाज बोलते हैं, बाजरा, ज्वार, मक्का, रागी, इनके कई तरह के आइटम बना रहे हैं आजकल और बेचते हैं शहरों में, क्योंकि इन कोर सीरियल्स में या मोटे अनाजों में कई ऐसे तत्व मिलते हैं जो कि दूसरों में नहीं पाए जाते, इसलिए उनका उपयोग बढ़ रहा है और खाने वाले भी बढ़ रहे हैं।
जब खाने वाले बढ़ रहे थे इसके बनाने वालों को भी जरूरत पड़ रही है, तो वहाँ पर भी बीएससी किए हुए व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। तो कहने का आशय है कि इसमें स्कोप बहुत है, बड़ी बड़ी जो विश्व स्तरीय संस्था है जिसको अपन एफएओ बोलते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पर भी जो है एग्रीकल्चर रिलेटेड व्यक्ति है वो वहाँ पर जाते हैं। आप अपना कंसल्टेंसी का काम चालू कर सकते हैं, कोई बीमारी आ जाती है किसानों के खेतों में सब्जियों में, तो उसमें कौन सी दवाई छिड़की जाए, कब छिड़की जाए, कैसे छिड़की जाए, उसके बारे में राय दे सकते हैं, उसका पैसा चार्ज कर सकते हैं। आप देखते हैं कि जमीन में पानी अंडरग्राउंड वाटर टेबल नीचे जा रहा है, इसलिए पोली हाउसेज बढ़ रहे हैं राजस्थान में भी, पूरे नॉर्थ इंडिया में, पूरे भारत में बढ़ रहे हैं। यहाँ पे हर चीज़ कंट्रोल की जाती है, लाइट भी कंट्रोल की जाती है, खाद भी कंट्रोल किया जाता है, और पानी को भी जो है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के द्वारा जो है क्रॉप्स को दिया जाता है। तो वहाँ पर भी ये कैसे डिज़ाइन करते हैं पोली हाउस, कितनी लागत लगती है, कितना रुपया लगेगा, कौन सी सब्जियां पैदा करेंगे इसमें, या क्या चीज़ पैदा करेंगे जिससे कि इसका रिटर्न जल्दी से जल्दी आए, कितने साल में पे बैक पीरियड मिलेगा हमारे को, कितने साल में जितना पैसा लगाया उतना वापस मिलेगा, ये सब चीज़ें एग्रीकल्चर पढ़ा हुआ व्यक्ति आसानी से बता सकता है और अच्छा पैसा कमा सकता है। तो एग्रीकल्चर बीएससी ऑनर्स, एग्रीकल्चर करने वाले जो छात्र हैं, जो जेट के माध्यम से बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, आगे आप लोग जो करोगे, बहुत अच्छा स्कोप है, वाइड स्कोप है, सीमित स्कोप नहीं है। चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे बैंक में जाना तो बैंक में जा सकते हो, सीड कॉरपोरेशंस हैं हर राज्य में, सीड कॉरपोरेशंस हैं वहाँ पर जा सकते हैं, सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी है वहाँ काम कर सकते हैं, एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटियाँ वहाँ पढ़ाने का काम कर सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हैं, ICR के इंस्टीट्यूशंस में जा सकते हैं, वर्ल्ड लेवल के इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ जा सकते हैं, और इससे संबंधित जितनी भी कंपनियाँ हैं, खाद, बीज, सीड, फर्टिलाइजर, उन सब में इन व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है। तो स्कोप इसका बढ़ता जा रहा है। और एक विशेष बात जो अब हो रही है वो है प्रेसिजन फार्मिंग बढ़ रहा है, पानी कम है और खाद का भी कम से कम उपयोग करके कैसे ज्यादा से ज्यादा उत्पादकता बढ़ी जाए, पेस्टिसाइड्स को भी कैसे कम से कम काम में लिया जाए, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कैसे किया जाए जिससे कि आपका बीमारी भी नहीं लगे, बीमारी हो तो उसको जल्दी से जल्दी कंट्रोल किया जा सके, उसका प्रबंधन किया जा सके, इसके बारे में जिसको हम कहते हैं प्रेसिजन फार्मिंग, मतलब कम से कम इनपुट में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कैसे लिया जाए, इसके लिए पूरा वही व्यक्ति अच्छी राय दे सकते हैं किसानों को जो कि एग्रीकल्चर को अच्छी तरह से पढ़ रखे होते हैं। तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का स्कोप बहुत है। तो इसके लिए आप सबको जो है प्रयत्न करना है, जैसे जेट का एग्जाम हो जाता है तो अच्छे इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेना है। मैं अपना परिचय देता हूँ, मेरा नाम डॉक्टर खेमराज है, मैंने पीजी करने के बाद पहली परीक्षा दी थी जिसको कि आरएस की परीक्षा कहते हैं, तो मैंने इसको टॉप किया था और मेरे वाले में और दूसरे नंबर वाले में 80 नंबर का डिफरेंस था, वो जो रिकॉर्ड अभी तक तो कोई तोड़ नहीं पाया है। लेकिन मैं आरएस में बहुत कम टाइम रहा, मैं रेलवेज में ऑफिसर बन गया था इंडियन रेलवेज में, तो छोड़ करके वहाँ चला गया, लेकिन इंडियन रेलवेज में बहुत कम टाइम रहा मैं, मेरा सिलेक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में हो गया था तो मैं वहां चला गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप जानते हैं सबसे बड़ा बैंक है और सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है, लेकिन वहां पर भी मेरा भविष्य वहां रहने का नहीं था, मेरा जो है ऑल इंडिया बेसिस पे आईएएस में 19वीं रैंक आई थी, इसलिए मेरा वहां सिलेक्शन हो गया, तो मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी छोड़ आया। तो कहने का मतलब ये आप लोगों में इतना पोटेंशियल है आगे बढ़ने का, जैसा मेरे को भी मालूम नहीं था कि इतना पोटेंशियल है मेरे में, नहीं मालूम था। तो मैं सब स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि आप लोगों में इतना पोटेंशियल है आगे बढ़ने का कि उसकी कोई सीमा नहीं है, ये बात आपको भी मालूम नहीं होगी, नहीं मालूम। मैं भी ऐसे ही सोचता था, 10वीं पास कर ली, 11वीं कर ली, बीए कर लिया, आगे बढ़ गए, लेकिन जैसे परीक्षाएं दी तो मेरे को आभास हुआ कि हाँ हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं। तो उसी तरह से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप सभी लोगों में, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, चाहे आपका बैकग्राउंड रूरल एरियाज का हो चाहे
सेमी रूरल एरियाज का हो, चाहे सेमी अर्बन एरियाज का हो, चाहे अर्बन एरियाज का हो, आप लोगों में आगे बढ़ने के लिए इतना पोटेंशियल है कि उसकी कोई सीमा नहीं है, और उसी पोटेंशियल को आगे बढ़ाने की जरूरत है, उसको उभारने की जरूरत है। तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को इसी बात के लिए मोटिवेट करता रहता हूँ कि आप में जो अच्छी बातें हैं उसको उभारा जाए। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छी बातें होती है, हर व्यक्ति में, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई कोई अच्छी बात नहीं होती। तो उन सब बातों को देखते हुए मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू, जय हिंद।